ये है दिल्ली दर्पण। अस्पताल में बेड पर मृत अवस्था में पड़ा दिखाई दे रहा ये कुख्यात और 1 लाख का इनामी बदमाश हरिया है, जो लोगों को मिनटों में मौत के घाट उतार दिया करता था। लेकिन आज उसी की पुलिस कस्टडी में संदिग्ध परिस्थिति में मौत की खबर सुनकर इलाके के लोग चौंक गए हैं। पुलिस के मुताबिक हरिया रिमांड में चल रहा था और वो उसका मेडिकल कराकर सिविल अस्पताल से वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में हरिया ने अपने सीने में दर्द की शिकायत बताई, जिसके बाद पुलिस तुरंत उसे वापस सिविल अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर मेडिकल के बाद फिर यहां से ले गए, फिर इसने अपने रास्ते में दर्द बताया, फिर इसको यहां हमने प्राइवेट सिला हॉस्पिटल में यहां उसको थोड़ी ट्रीटमेंट दी, उसके बाद यहां ले आए, यहां इन्होंने ट्रीटमेंट करी और ट्रीटमेंट के दौरान ही आधे पौने घंटे में। वही पुलिस अस्पताल पलवर के सीएमओ के मुताबिक पुलिस हरिया को मेडिकल कराने के लिए लाई थी और पुलिस मेडिकल करवाने के बाद निकल गई, लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस हरिया को दोबारा अस्पताल लाई, लेकिन तब तक हरिया की मौत हो चुकी थी। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, उसी के बाद पता चल सकेगा कि हरिया उर्फ पवन की मौत की असल वजह क्या है। ये पवन उर्फ हरिया रेजिडेंट ऑफ गांव बैसरावली, जो तेगांव ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, तो इनको हसनपुर पुलिस लेकर आई थी यहाँ पे 1:38 पर। उस टाइम डॉक्टर राजकुमार ड्यूटी पे थे, उन्होंने इनका रूटीन एग्जामिनेशन के लिए आए थे वो, तो उस टाइम उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, जैसे डॉक्टर राजकुमार मेरे को बता रहे हैं। तो ये दोबारा से करीब 3 के आसपास आया, तो उस टाइम गैस्पिंग स्टेट थी और 3 इसको किया। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर